उत्तर प्रदेश के वित्त विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने रविवार को सर्किट हाउस में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग विकास निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास निगम के अधीन संचालित है। इसके तहत प्रदेश सरकार की गारंटी पर सस्ते ब्याज दर पर धनराशि आवंटित होता है। ये धनराशि गरीब लोगों को व्यवसाय के लिए लोन के माध्यम से वितरित किया जाता है। राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा कि पूर्व के सपा और बसपा की सरकार के कार्यकाल में जो धनराशि पिछड़ा वर्ग विकास निगम को मिला था, उसका वितरण तो लोगों को किया गया, लेकिन समय से वसूली नहीं होने के कारण आवंटित धनराशि वापस नहीं हो सका। इस कारण पिछड़ा वर्ग विकास निगम के कोष में धनराशि का अभाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर निगम की वर्तमान व्यवस्था को अवगत कराकर नए सिरे से निगम कोष में धनराशि आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लोगों को आवंटित की गई धनराशि की वसूली न होने के कारण निगम को संचालित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा, जिनके खिलाफ पता नहीं है ना, जिनका पता नहीं चला ना, तो उनके खिलाफ नोटिस ऑलरेडी है, आरसी है, हो सकता है आरसी के कारण गायब हो गए हो। सत्यापन किया है सर अधिकारियों की बात। हाँ, वो तो रिटायर हो गया कई तो। नहीं, उसमें अभी मैं इस यहाँ तक नहीं पहुँचा कि उनके खिलाफ क्या करना है। मैं पहले बड़ी रकम गायब है। अभी मैं, मेरा प्रयास यहाँ है कि कुछ देने की स्थिति में आ जाऊँ, तो बाद में फिर वो भी काम शुरू हो जाएगा। पहले आगे बढ़ने का काम शुरू हो, नहीं मैं अगर वहाँ से चल दूँगा तो और काम सब ठप हो जाएंगे। डिफाल्टर सर मैं आपको बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे डिफाल्टर हूँ मैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय वित्त विकास निगम के यहाँ डिफाल्टर है। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई से मुझे निवृत्त होना है, पहला मेरा काम। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम अधीन संचालित होता है। प्रदेश सरकार की गारंटी पर वो हमें सस्ते ब्याज दर पर पैसा देता है। फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय वित्त विकास निगम ने हमें जो पैसा दिया था उसका वितरण तो हुआ, लेकिन टाइमली वसूली ना हो पाने के कारण हम राष्ट्रीय वित्त विकास निगम को निगम पैसा वापस नहीं कर पाया है। इस वजह से वहाँ डिफाल्टर है। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने ये प्रपोजल रखा है कि आकस्मिकता निधि से मुझे जो शेष राशि मुझे देना है वो मुझे प्राप्त करा दी है। निगम में जो कार्रवाई आर्बिट्रेशन की वो ख़त्म होगी और यहाँ के पिछड़ों के विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए फिर हमें निगम पैसा देना। सेकेंडली सरकार के द्वारा, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन बोर्डर, उसको भी सरकारी स्तर पर मेरी बात हो चुकी है और इस योजना को भी मैं निगम के माध्यम से संचालित करने का कार्य करूँगा, क्योंकि बैंक के माध्यम से बड़ी जटिलताएँ रहती हैं और जब सरकार ने ये निगम कार्पोरेशन बनाया है पर्टिकुलर पिछड़े वर्ग के ऐसे अति गरीब लोगों के विकास के लिए, रोजगार उनका चल सके, रोजगार हो सके, उनकी शिक्षा और उनके चिकित्सा की चिंता व्यक्तिगत हो सके, तो निगम के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे पिछड़े अति पिछड़े लोगों के विकास के लिए बहुत योजनाएं लागू हैं, तो एक ये योजना भी सरकार के माध्यम से संचालित होने की पूरी संभावना है। और दूसरी योजना ऐसे अति पिछड़े लोगों को दुकान बना के देना भी पिछड़ा वर्ग विकास निगम ने प्रपोजल दिया, इसमें भी सहमत बनी हुई और बात चल रही है। अन्य योजनाएं हैं, स्टार्टअप है और अभी तो फिलहाल दो तीन ये योजनाएं मेरी प्रस्तावित हैं और लगभग बहुत जल्दी हमें कार्रवाई पूर्ण हो गई है और निगम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि पिछली सरकार सपा बसपा के खास तौर पर जो पिछड़े वर्ग के विकास के लिए जो निगम बना था उसको इन्होंने बिल्कुल डम करने का, ख़त्म करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना सबका साथ सबके विकास का आधार है और निगम के माध्यम से पिछड़ों का हित हम साधेंगे, हमारी सरकार साधेगी। मैं जब से जिम्मेदारी पर आया हूँ
निश्चित रूप से योगी जी ने मुझे इस योग्य समझा है, तो इस योग्यता को मैं पिछड़ों के विकास में लगाऊंगा और सरकार से परस्पर संबंध और संपर्क स्थापित करके मैं चलूंगा और पिछड़ों का हित छेगा। आप जिस इलाके से आते हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही मित्र आपने प्रश्न किया है। मैं जिस बुंदेलखंड से आता हूँ, वाकई में मैं लगभग 50 साल का होने जा रहा हूँ। 40 साल पहले का समय मुझे याद है, पानी के लिए रोटी के लिए हम तड़प रहे थे, हमारा पूरा समाज और पूरा क्षेत्र तड़प रहा था। लेकिन सरकारों के द्वारा कुछ सरकारों के द्वारा तो उस तरफ इग्नोर किया गया है, लेकिन जब जब हमारी सरकारें आई, कल्याण सिंह जी की सरकार आई, माननीय रामप्रकाश जी की, राजनाथ सिंह जी की सरकार आई, ये कालखंड मैंने स्वयं देखा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का चेयरमैन इसके पहले भी रह चुका हूँ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहकारी संघ का चेयरमैन रह चुका हूँ, तो इन मुख्यमंत्रियों का कालखंड मैंने स्वयं देखा है। योगी जी का पूरा ध्यान सिंचाई पर, पानी पीने के लिए साधन सुविधा और खेतों के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध हुई है। लगातार 12 वर्षों से जितना पानी बरसना चाहिए था बुंदेलखंड की मिट्टी के लिए उतना नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में 125 साल में इस सरकार में बिजली इतना मौजूद रही है कि किसान की उपज बढ़ गई है, किसान की उपज बढ़ गई है और पीने के पानी के स्तर पर जो समस्याएं थी उनका भी निराकरण पूरे ठीक स्तर पर हुआ है। सारा पानी उसको आप पी लेते हैं, नमकीन पानी रहता है, और कुछ क्षेत्रों में पहाड़ी है जहाँ गहरा पानी है, तो टैंकर के माध्यम से है और ट्यूबवेल गहरी बोरिंग का अब जो टेक्निक ऐसी आई कि गहरी बोरिंग हो रही, उसके आधार पर भी उपलब्धता पानी की लगभग चारों तरफ हो रही है। वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए गांव से वहाँ का मेन प्लान है, वहाँ की बहुत अच्छी लैंड है, पानी की उपलब्धता हो जाए, जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी और वहाँ का नौजवान करना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता, मैं रेगुलर वहीं का रहने वाला हूँ, मैं खुद मेरे भाई किसान है और पूरी फैमिली किसानी पर डिपेंडेड है। हाँ, मैं जरूर थोड़ा अपना व्यवसाय इधर उधर शहर में ऐसे चलता है, लेकिन अभी भी आज मेरे घर में किसानी होती है और हमारे स्वयं के और किसानों स्वयं गहरी बोरिंग कराकर अपने खेत को सिंचित कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा समस्या अन्य जानवर की बनी हुई है, तो वो भी समस्या और दो चार शहर में निकल कर ख़त्म होने जा रही है। निषाद पार्टी का प्रश्न आपने किया है, समाजवादी और बसपा का चाल चरित्र और चेहरा और इनकी सोच, इनकी शैली जातवादी है, जातवादी आधार लेकर ये राजनीति में खड़े हुए हैं और जनता को, गरीब जनता को सब बात दिखाया है। इन वोटरों को हासिल करके, इनका विश्वास जीत करके जातवादी लोगों को अपने पास खड़ा करके सिर्फ इन्होंने राजनीति में बैठकर बिजनेस किया है, जनता का हित नहीं चाहता। बहुत ढेर सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं छोटे छोटे जो जात को आधार बनाकर ही राजनीति में बहुत जल्दी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं और ऊंचाइयां छूने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक दलालों से आम जनमानस को सबक लेना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर को, अपने परिवार को पलवित पोषित करने के लिए राजनीति करते हैं। इनके कहीं भी मनस्तित्व में समाज हित का कोई कालम नहीं होता है, ये सिर्फ घटिया राजनीति, जातवादी राजनीति, सामाजिक जो समरसता कायम है समाज के अंदर उसको तितर बितर करने का काम करते हैं, सामाजिक समरसता को ख़त्म करने का काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और राजनीति में बिल्कुल कहीं भी सिद्धांत की कोई बात नहीं करते हैं, तो जनता को ऐसे निश्चित रूप से सावधान रहना होगा। दूसरा जो प्रश्न है कि 17 पिछड़ी जातियों को SC में शामिल करना, मायावती जी के कालखंड में भी डिमांड चल रही थी, मायावती जी कभी भी किसी स्तर पर नहीं चाहती हैं, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी भी चाहते थे और चाहते सिर्फ वो इसलिए थे, जब तक चाहते थे तब तक इनको वोट मिलता रहे। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 2004 में UPA की सरकार थी और प्रस्ताव SC में शामिल करने के लिए इन्होंने भारत सरकार को भेजा और प्रस्ताव भेजने के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया,
जब भी आप कुर्सी पर बैठे हो आपको ज्ञान है कि संविधान के मुताबिक जब तक केंद्र सरकार की सहमत नहीं होती है तब तक उसको आप कैसे धरातल पर और अपनी सरकार के रहते किसी स्टेट में लागू कर सकते हो। इन्होंने जो उतावलापन किया और उतावलापन सिर्फ अपने को दिखाने के लिए कि हम इन 17 जातियों को दलित में शामिल करने का प्रस्ताव भेज चुके हैं और लागू भी कर चुके हैं। कांग्रेस ने भी राजनीति की कि जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी राजनीति की रोटी सेक रहे तो हम भी नहीं इस प्रपोजल को पास करेंगे और कटाई भी पड़ गया। वापस सरकार है, 4 साल हो गए प्रदेश में भी आपकी सरकार, आप नहीं क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं नहीं, अब मेरे प्रदेश में सरकार आई है, मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है, 4 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है और वो 4 सदस्यीय समिति अध्ययन कर रही है कि कौन सा समाज कहाँ किस स्तर पर है, उसको हम किस स्तर पर किस आरक्षण के अनुसार हम उसको लाभ दे सकें, इसके लिए हमारी समिति काम कर रही है। बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर वो समिति की रिपोर्ट आप सबके सामने होगी और वो रिपोर्ट के मुताबिक जातियों को लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। मेरी सरकार कहती है और मेरी सरकार ने इसीलिए सामाजिक न्याय समिति बनाई है कि हम इसको अमलीजामा कैसे पहना सकें। हम ऐसे अंधेरे में रहकर कोई तीर नहीं चलाना चाहते ना मेरी सरकार, क्योंकि इसके पहले भी लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं जो बीच में जाके लटक गए। हम कोई लटकाने वाला राजनीति नहीं करना है। नेताओं की पंक्ति में आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट है, कैबिनेट के रहते हुए इन्हें जो विकास की बात पिछड़ों की करनी चाहिए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए विकास की बात करनी चाहिए और विकास किस आधार पर हो सकता है उस पे काम नहीं है, सिर्फ राजनीति में राजनीतिक रोटी सेकने का काम बंद करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ, आप अपनी बात इस समाज के इन पिछड़ों के विकास के लिए कैबिनेट में रखिए ना, प्रपोजल रखिए ना कि ये पिछड़ों के हितों के लिए, इनके विकास के लिए, इनकी चिकित्सा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके व्यवसाय के लिए, ये आप कैबिनेट में रखिए ना। आप भी जो चंद ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो जातवादी है, जो तुष्टीकरण की है और जातवाद की पराकाष्ठा लांगते हुए राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं, ये भी उसी श्रेणी में कैबिनेट में होते हुए भी गरमा का ख्याल नहीं है, अपनी गरमा का ख्याल करते हुए कैबिनेट के अंदर और जिस नेतृत्व जिसके नेतृत्व में आप सरकार में हैं उससे अपनी मांग रखनी चाहिए, उससे अपनी बात करनी चाहिए। राजनीति की पिछड़ों को बरगलाने की, दलितों को बरगलाने की बात नहीं करनी चाहिए। सरकार में जिम्मेदारी से भटकने की बात है, ये तो मैं तो इसको जिम्मेदारी से भटकने की बात कहूँगा। सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है? नहीं बर्दाश्त, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर और जिससे एक बार बात करती है उसको बहुत अंत तक सहजने का संभालने का साथ चलने का प्रयास करती है। उसी कड़ी में राजभर जी भी है, सहज कर संभाल कर बातचीत के माध्यम से प्रयास जारी है और अंततः जब नहीं होगा तो फिर रास्ता उनको भी पता है और भारतीय जनता पार्टी भी निर्णय लेना जानती है। मतलब ये राजनीतिक मजबूरी है पार्टी की, उनको बोला नहीं राजनीतिक मजबूरी नहीं है, राजनीतिक मजबूरी हमारी बात है, हम जिससे बात करते हैं उसको निभाते हैं, बात पे हम अटक रहते हैं। बात तो आपने महबूबा से भी की थी लेकिन निभाने का अब ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन राष्ट्रीय मुद्दों पर मुझे आप ना ले चलो। प्रदेश में जो अपने पहले प्रश्न किए वो बहुत अच्छे हैं और आपको राजभर को क्या संदेश देना चाहते हैं? राजभर जी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कैबिनेट मंत्री होते हुए और योगी जी की सरकार में रहते हुए भी जो योगी जी पिछड़ों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए कृत संकल्प है, उसे तालमेल बिठा करके इनके विकास के हितों की बात करनी चाहिए, राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं करनी चाहिए।